पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। गृह मंत्री अनिल विज ने उदयपुर की घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि यह एक कत्ल की घटना नहीं है, तालिबान सोच की घटना है और प्रहार भी इस सोच पर करना पड़ेगा। उस सोच को हम देश में कहीं भी पनपने नहीं दे सकते। उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे, लेकिन भारत में तालिबानी सोच को पनपने नहीं देंगे। हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 15 से 19 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 50% है, 20 से 24 के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 41% है, कुल बेरोजगारी दर 30.6% है। बीजेपी जेजेपी सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा कर हल निकालना चाहिए, न कि शुतुरमुर्ग रवैया अपनाकर समस्या से इनकार कर दें। पलवल में न्यू कॉलोनी से 25 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ने के आरोप में फरार दो बदमाशों को सीआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही काबू कर जेल भेज चुकी है। अन्य 3 बदमाशों की पुलिस को अभी तलाश है। पानीपत के सीआईए टूर पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में 3 ब्लाइंड मर्डर की वारदातों का खुलासा किया है। तीनों वारदातों में 2 पानीपत व 1 यूपी के मुजफ्फरनगर की है। यूपी की वारदात में पुलिस ने धारा 174A के तहत कार्रवाई की थी। तीनों मृतकों में 2 मतलोड़ा के गाँव नारा व 1 बालसी से है। आरोपी ने महज 8 घंटे के भीतर 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया। रोहतक के रामराजनगर में 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में प्रॉपर्टी डीलर बाल बाल बच गया और आरोपी घटनास्थल से फरार होने में सफल रहे। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। प्रॉपर्टी डीलर जयपाल पंचाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उससे करीब 2 महीने पहले 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।